हेलो दोस्तों, स्वागत आपको वीटू इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएंगे, मेरे पास एक टीवी आया हुआ है लॉयड कंपनी का। तो टीवी का मॉडल नंबर देखिए L39FN2 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको लेन देकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ आ गया है, ठीक है। देख रहे, इंडिकेटर आ गया, ऑन हो गया, टीवी ऑन हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। देख रहे हैं, बैक लाइट ओके है, लेकिन कोई पिक्चर उक्चर नहीं आ रहा टीवी में। तो चलिए इसमें दिखाते हैं, ये बोर्ड है। पहले तो हम वोल्टेज चेक करा कर दिखाते प्रॉपर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 11.7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, इस पर भी देखते हैं 11.7 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ भी 11.7 आ रहा है लगभग, ठीक है। यहाँ पे 11.7 आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 11.7 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए लगभग वोल्टेज तो सब आ रही है। देखिए बैकलाइट पे 77 वोल्ट आ रहा है। तो बन रही है वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसको हम रिपेयरिंग करके। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये और ये कंडेंसर जो है फुला हुआ लग रहा है। तो इसको हम पहले चेंज करके देखते हैं। चेंज करने के बाद क्या कंडीशन है टीवी में, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं स्पीकर को। चलिए इसको रिमूव कर दिए। क्या करना है, ये दो कंडेंसर को रिमूव करना है बोर्ड। ये वाला है, तो चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, होल्डिंग थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। एक रिमूव हो गया है, अब क्या करना है, एक रिमूव हो गया। तो ये कितना था, 16। तो 16 वाले को यहाँ पर हम लगा देंगे इसको, ठीक है। क्या कि हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले को रिमूव करना है। इस कंडेंसर को हम रिमूव कर लिए हैं। इसकी जगह हम फिर ये कंडेंसर लगाते हैं। इसको माइनस पर सबको ध्यान रखना है, बस।
चलिए दो कंडेंसर करके हम बोर्ड में चेंज कर दिए हैं, अब क्या करते हैं हम लगा के दिखाते हैं ताकि प्रॉब्लम वही है या फिर और कोई प्रॉब्लम बोर्ड में है। पहला बात पिक्चर नहीं आ रहा था, चलिए दो कंडेंसर हम चेंज कर दिए हैं। चेंज करने के बाद इसको लगा दिए हैं तो और एक बोल्ट भी हम यहाँ पे कस देते हैं तो बोल्ट में जो हिले ना। चलिए बोल्ट कस दिए हैं और क्या करते हैं लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद हम फिर से वोल्टेज आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। टीवी ऑन हो गया, देखिए अभी भी 11.8 है, तब देखते हैं या फिर वोल्टेज जो पिक्चर है वो आ रहा है। देखिए 11.7 बन रहा था इसके डिस्प्ले पे, डिस्प्ले कनेक्टर पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 11.7 बनता है, 11.8 हुआ, देखिए 11. यहाँ भी देखिए 11.7 हो रहा था तो 8 हो गया, यहाँ भी तो 7 था, तो पिक्चर उक्चर कुछ नहीं आ रहा था टीवी में। और इसको लगा देते हैं, 11.7 था तो टीवी में कोई पिक्चर उक्चर नहीं आ रहा था, ठीक है। 11.7 था तो कुछ नहीं आ रहा, देखिए अब ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं। देखिए लॉट लिखा हुआ आ गया, इसमें 11.7 था तो नहीं आ रहा था, जैसे 11.8 हुआ तो पिक्चर आ गया टीवी में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, अगर आपको ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।